ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की 5 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। एक हाजी साहब का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शैतान को कंकड़ मारने के लिए हाजी साहब इतने गुस्से में आ गए कि उछल उछल कर शैतान को कंकड़ मारने लगे। देखिए वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। يوه لك بليس ويلا يدهن حريثك आंध्र प्रदेश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर रख कर उस पर से ट्रेन गुजरने का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर सके यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति का नाम है रामी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामी गैस सिलेंडर इसलिए रखा था पटरी पर कि उस वीडियो से वो पैसा कमा सके और यूट्यूब पर उसके सब्सक्राइबर बढ़ सके। पुलिस को ऐसी जानकारी रामी ने दी है। पालघर में एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही नजर आई है, जहां गटर का ढक्कन खुला होने की वजह से एक घोड़ा गिर गया। इसमें घोड़ा बुरी तरह से फंस गया। स्थानीय लोगों ने जेसीबी मंगवा कर गटर को तोड़ा, फिर कहीं जाकर घोड़े को बाहर निकाला जा सका। वहीं उत्तराखंड के चिमोली में भारी बारिश का कहर जारी है, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ ने किस तरह से तबाही की है आप वीडियो देख सकते हैं कि ताश के पत्ते की तरह ये इमारत गिर गई। काफ़ी भयानक ये दृश्य है। गनीमत ये रही कि मकान में रहने वाले लोगों को समय रहते निकाल लिया गया था। मुंब्रा की तरह दीवा में भी मनपा कमिश्नर संजीव जायसवाल ने बाढ़ पीड़ितों को राशन बांटा है। दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महादेव जगताप, सहायक आयुक्त महेश आहिर, मनपा कर्मी बालू पीचल, रंजन बाघमारे, सभी मनपा कर्मियों ने बाढ़ पीड़ितों को राशन देकर उनकी मदद की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसमें मुंब्रा और दीवा के कई इलाके ऐसे थे जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे और इसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो गया था। लेकिन मनपा द्वारा मुंब्रा और दीवा में बाढ़ पीड़ितों को राशन देकर उनकी मदद की जा रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।